ॐ ॠं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ॠं नमो सिद्धाणम्, ॐ ॠं नमो आयर्याणम्, ॐ ॠं नमो उवच्छायाणम्, ॐ ॠं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ॐ ॠं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ॠं नमो सिद्धाणम्, ॐ ॠं नमो आयर्याणम्, ॐ ॠं नमो उवच्छायाणम्, ॐ ॠं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ॐ ॠं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ॠं नमो सिद्धाणम्, ॐ ॠं नमो आयर्याणम्, ॐ ॠं नमो उवच्छायाणम्, ॐ ॠं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। वीतराकू प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं, बहनों, अमृत महोत्सव अनुव्रत का यह पूरा वर्ष सभी के लिए अमृतमय बनता जा रहा है, और उसमें विदेश से एक व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, अप्लाइड अनुव्रत। अनुव्रत मानव की जीवन शैली है। अनुव्रत संयम के साथ बढ़ा कदम है। अनुव्रत मूवमेंट के सृजनहार तुलसी आचार्य तुलसी, जो अपने परिचय में कहते हैं, मैं पहले इंसान हूं। और अनुव्रत इसी का एक जीता जागता नमूना है, इंसान को इंसान बनाने का। अनुव्रत एक स्वनिश्चित जीवन शैली है, आचार संहिता है। अनुव्रत मूवमेंट आचार्य तुलसी का एक तीसरा चरण है, जिसका यह कदम केवल भारत की भूमि ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अनुव्रत जिसने अपने जीवन में धारण किया, उसका जीवन एक सुवास बन गया, उसका जीवन अमृतमय बन गया। अनुव्रत केवल जैन धर्म का ही मूवमेंट नहीं है। अनुव्रत जन जन का धर्म है। जिस समय अनुबंध की जरूरत को महसूस किया जा रहा था, उस समय आचार्य तुलसी ने एक ऐसा मूवमेंट दिया, नैतिकता का अनुव्रत। आज मैं जिसकी एक दास्तान सुनाने वाली हूं, एक कैसे शैतान संत बन जाता है, जो जैन नहीं जन्म से लेकिन कर्म से जैन बन गया। आचार्य तुलसी कहा करते थे, मुझे जन्म ना जैन से कर्म ना जैन,
अधिक पसंद है। और वास्तव में एक ऐसा जीता जागता नमूना है आचार्य महाश्रमण जी के शासन काल में, अनुगत अनुशासता वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो मैं ले चलती हूं आपको दुर्दम दास्तान देश विभाजन की ओर। वो एक ऐसा समय था, स्ट्रगल का समय, घोर हिंसा का समय, जब एक ही धरती पर पले दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे थे, और जिसने सबके जीवन को संकट में डाल रखा था, और जिसका विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। वो एक दास्तान ऐसी थी जिस समय देश बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहा था, बचाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए, सब मिशन दिया सपना आजाद भारत के विकास का, लेकिन स्वतंत्र भारत के विकास के निर्माण में एक युग पुरुष उभर कर के सामने आया। आचार्य जिनका मिशन एक मार्च 1950 में अनुग्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया आचार्य तुलसी ने। विश्व शांति का निर्माण करने के लिए, नैतिकता को स्थापित करने के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना करने के लिए और असली आजादी को अपनाने के लिए देश को एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति आचार्य तुलसी ने की। और उसी समय ये स्थितियां बदल रही थी, और ऐसे घटनाक्रम हमारे सामने हैं जिनको हमें समझना है। मैं आज एक आधुनिक वाल्मीकि 20th century का अजामिल नारायण दास थडानी की जीवन जीती जागती तस्वीर को लेके आई हूं। बंधुओं, जिस व्यक्ति से मैं स्वयं मिली थी उल्लास नगर में, उसको देख के लगता नहीं था ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जिसका जन्म ना फरवरी 1933 में हुआ था, पाकिस्तान शिकारपुर में हुआ था। बहुत ही रईस फैमिली का था, सुख संपदाएं थी, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। जिसके पिता का नाम
संतुमल थडानी था। समय के साथ नारायण दास करीब 14 या 15 साल के हो गए थे। और बंधु उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो चल रहा था, जिससे धीरे धीरे उनका बिजनेस भी चौपट होता चला गया और उनके परिवार ने एक निर्णय लिया कि हमें यहां से प्रस्थान कर देना है और हमें भारत चले जाना है, उस पाकिस्तान की अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके। शिकारपुर को छोड़ करके पहले वो वहां से मूव हुए करांची में, और करांची में भी जब स्थितियां बदल गई, उस समय उन्हें मूव होने का संकल्प लेना पड़ा। उनके दादा उनके पिता को कि हम भारत लौट जाएं। ये सिंधी परिवार, एक नहीं अनेकों सिंधी परिवार उस समय भारत लौट आए। उनकी क्या स्थिति थी, जिनकी जमीन गई, जिनका बिजनेस गया, जिनके अपने बिछड़ गए, जिनका ता जिंदगी उन्हें पता नहीं चला कौन कहां रह गया। ऐसी परिस्थितियों में और एक दिन वो लोग स्टीमर के माध्यम से, जल यात्रा से बॉम्बे के बंदरगाह पर पहुंच गए। बंधु आप जानते हैं, एक शरणार्थी के रूप में पहुंचे ये लोग, जिनके लिए धरती ही उनका घर था, आकाश उनकी छत थी। 10 दिन तक उस स्थिति में उन्होंने बिताया और 10 दिन के बाद उन्हें कल्याण के आसपास, बॉम्बे में कल्याण के पास जो पुराने यानी बॉम्बे से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर उल्लास नगर के कैंप नंबर 5 में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, जहां घर नहीं, वो बैंकर्स थे जिन्हें पर्दे डाल डाल करके उनको रखा गया था। कहां हवेलियों का वह राज सिठाठ और कहां वो बैंकर्स। परदेश भक्ति संस्कृति के संस्कार कूद कूद कर भीतर में भरे थे। इतना सब कुछ सहन किया और बंधु नारायण दास की कहानी तो बड़ी विचित्र थी। जब वो करांची में थे, उनके पास ही एक मुस्लिम परिवार रहता था और वो गलियारे का लव स्टोरी भी उनकी शुरू हो गई थी। लव स्टोरी शुरू तो हो गई, लेकिन जब उनको रवाना होना था, उस समय एक अड़चन भी पैदा कर दी। उस लड़की के पिता ने बड़ा रोकना चाहा। इधर इसके माता पिता नारायण दास के स्टीमर में चढ़ चुके थे, लेकिन इसको पकड़ करके होटल ले जाया गया, बड़े प्रेम से खिलाया पिलाया गया। बहुत कोशिश की भागने की नहीं, आखिर उनको बहाना बना करके वॉशरूम में गए और उसकी विंडो तोड़ करके, उसका वेंटिलेशन जो था उसको तोड़ करके 10 फुट की ऊंचाई से नीचे उतरे और दौड़ करके उस स्टीमर के पास जब पहुंचे
तब तक सीढ़ियां उतरने समेटी जा रही थी और 2 फुट दूर सीढ़ियां हो चुकी थी, लेकिन उस समय भी हिम्मत नहीं हारी कि मुझे अब इस जाल में नहीं फंसना है। और उस व्यक्ति का साहस देखिए, उस उम्र में भी वो 2 फुट की दूरी से कूद करके छलांग लगा दी स्टीमर। लोगों ने उसे पकड़ा और वो वहां पर पहुंच गए। 1 दिन के बाद अपने माता पिता से मिल पाए। माता पिता का बुरा हाल था, लेकिन नारायण दास पहुंच गए। और बंधुओं, ये जो कहानी जो शुरू होती है, नारायण दास, जिसका नाम तो नारायण दास था, भगवान का दास, लेकिन एक शैतान से कम नहीं था। ठीक वैसा ही एक जीवन था जैसा कि वाल्मीकि का था, जो एक डाकू से संत बने। ठीक वैसा ही जीवन था अजामिल जैसा, जो एक ब्राह्मण होते हुए भी क्रूर था। ठीक वैसा ही एक सिंधी परिवार में पला पुसा यह नौजवान और शैतान बन गया। यद्यपि परिवार में मांसाहार चलता था, लेकिन इनकी जो दास्तान है वो बड़ी ही रोमांचक और रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान है। बंधु, वो नारायण दास जो बैंकर में रहे, धीरे धीरे उन्होंने धंधा करना शुरू किया उसके पिता ने, और उन्होंने अपने जीवन को बदलते बदलते सन 1949 में उन्होंने एक मांसाहारी होटल को खरीदा। बंधुओं, वह मांसाहारी होटल जिस पर रोज मांस को पकाया जाता था, और नारायण दास इतना परफेक्ट हो गया था उन मुर्गियों को खरीदने में, और जब उनकी मुर्गी की एक ही वार में जब गर्दन को वह तोड़ता, उसकी छटपटाहट को देखता, उन्हें उसे बड़ी खुशी होती। बंधुओं, उन मुर्गियों की खुशियों को छीनने वाला ये नारायण दास दुकान में तो बेचता ही बेचता था, लेकिन और इससे क्रूर कहानी थी उनकी। पैसा कमाता, हाथ में जो पैसा आता और जवानी का वह जोश था, हर संडे को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी होती, जिसमें खुद जाकर के एक मुर्गी, एक बकरे को चूज करता और उस बकरे का 8-10 किलो वो मांस लेकर के अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब और उस मांस को खत्म कर देते रहा। बड़ी क्रूर कहानी थी। यहां तक ही समाप्त तो नहीं होती है ये कहानी, इतने क्रूर। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई। उस समय कहा प्रख्यात गुंडा जो था वहां का, चीना, जिसका असली नाम था नारायण दास आहूजा, और उसकी दोस्ती से अब गुंडागर्दी भी सीख गया। थोड़ी बहुत झेम चलती रहती थी, बस खाना पीना, बस ये उनका एक जीवन का लक्ष्य हो गया था। वहां पर इनकी ये दुकान चल रही थी,
और दुकान के अंदर ये व्यक्ति इतना क्रूर और ऐसी क्रूरता करने वाला व्यक्ति पैसे की तंगी रहने लगी और पैसे की तंगी के लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुआ खेलते खेलते एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ इनका संपर्क होता है जिस व्यक्ति की विचित्र मांस खाने की शैली थी और उसने कहा यार पका हुआ मांस खाने से तो सारे प्रोटीन और विटामिन खत्म हो जाते हैं, कच्चा मांस खाना चाहिए। और बंधु उसने कच्चा मांस उसके सामने खाया और उसको भी एक पीस दिया। अब वो भी जेब पर टेस्ट लग गया, कच्चा मांस खाने लग गया। थोड़े दिनों के बाद उसने कहा यार ये क्या करते हो, असली ताकत तो आती है बकरे के खून से। और ये देखो उसके सामने एक बोतल उसने खून पिया, उसको भी थोड़ा टेस्ट करवाया और उसने भी खून पीना शुरू कर दिया। और ये इसका रोज का क्रम बन गया। थोड़े महीनों के बाद उस व्यक्ति ने कहा यार ये सब कुछ नहीं है, असली चीज तो हमारी हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, उसको खाने से हमारा सब कुछ ठीक होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हड्डियों को चबा जाओ चूस जाओ। और इसने वो काम भी शुरू कर दिया। बंधुओं ये कैसी एक दास्तान थी जीवन की। इन शॉर्ट मैंने कहा है वो एक शैतान बन चुका था, हैवानियत उसके ऊपर हावी थी और उसकी इतनी मटर मस्ती को देखते हुए पिता ने सोचा ये तो बेकाबू होता जा रहा है और चीरा बाजार में जो ये होटल थी उस होटल को एक बार उनके पिता ने उसको बिना बताए ही उसे सेल कर दी और उसी समय थोड़े ही घंटों में उस व्यक्ति को मालिक बनकर के वो बैठ भी गया उसको। उनको बड़ा अफसोस हुआ। पिता ने एक दूसरा बिजनेस शुरू कर रखा था, जवेरी बाजार में दूध की दुकान थी और कहा उस पे जाकर के बैठ जाऊं। अब बंधु जिसको शराब और मांस की गंध चाहिए उसको दूध में कैसे मन लगे, दूध दही लस्सी में उसका मन कैसे लगे। नारायण दास ऊपर से नीचे तक हिल चुका था पर कर भी कुछ नहीं सकता था। पिता ने अपना पूरा बिजनेस उसको संभला दिया और नारायण दास ये सब करने लगा है। अब उस जवेरी बाजार में जो दूध की दुकान थी वहां पर कुछ लोग आते थे दूध लेने के लिए। वहां पर एक कांति भाई वकील वाला गुजराती भाई भी दूध लेने के लिए आते थे और ये नारायण दास हर समय अपनी जेब में ये 10-12 इंची वाला रामपुरी छुरा रखता था। और इससे काफी मेलजोल हो गया कांति भाई का। एक दिन कांति भाई ने कहा कि देखो हमारे यहाँ संत आए हैं, चलो तुम्हें दर्शन करा देते हैं। दर्शन कराने की बात कही लेकिन सुनी अनसुनी कर दी। थोड़े दिन बाद फिर कहा कि चलो ना यार दर्शन करवाते हैं, संत आए हैं। नहीं सुना,
तीसरी बार कहा, अब थोड़ा इरिटेशन आने लग गया कि ये कैसा व्यक्ति रोज रोज मुझे क्यों कहता है, मेरा क्या वास्ता संतों से, क्या लेना देना मुझे, क्यों जाने का, पर कैसा मेरे हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जब चौथी बार इन्होंने कहा कि देखो अपने यही पास में आ गए हैं, अरे चलो, उसने सोचा आज हां भर लेनी चाहिए, क्रूर विचार आ गया। ये हित चिंतक है कांति भाई वकील वाला, लेकिन अब क्रूर विचार आ गए कि नहीं इसको मुझे खत्म ही कर देना है, इस कहानी को ही खत्म कर देना है, और हां भर ली, तैयार होने लगा। और वो रामपुरी छुरा निकाला, उसने देखा, कांति भाई ने भी देखा, लेकिन कुछ नहीं, वो देख रहा है कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, मैंने छुरा निकाला मेरी जेब में रखा, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहा है। और कांति भाई के साथ चल पड़ी, और कांति भाई ने दूर से दिखाया कि लोंका शाह का उपास्य है, इसमें हमारे मुनि जी विराज रहे हैं, चलो। तब तक उसने सोचा अच्छा है, अंधेरा है, लोग बाग भी ज्यादा नहीं है, बस इनको काम तमाम कर देना है मेरे को आज। देखिए मारने के लिए चला था, और ये उसको मारने के लिए चला, और ये उसका उद्धार करने के लिए चला। दोनों में दो तरह की शक्ति काम कर रही है, एक के अंदर विघटन की शक्ति काम कर रही है, विनाश की शक्ति काम कर रही है, और एक के अंदर सृजन की शक्ति काम कर रही है। जब वो उपास्य की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, कानों में मधुर संगीत की ध्वनि गई, अब वो रामपुरी छुरा तो भूल गया, वो शब्द इतने अच्छे लगे कि वो उसमें बेभान हो गया। कब होल में पहुंच गए, संतों के पास पहुंच गए, संतों को देखते ही उसकी आंखें स्तंभित हो गई। कांति भाई ने जैसे वंदन किया वैसे उसने भी झुक करके वंदन कर लिया, जो मस्तक किसी के आगे झुकने वाला नहीं था वो झुक गया। और संतों की उस वाणी को सुन करके संतों ने पूछा, मुनि श्री चंदनमल जी उस समय संग में थे, वो विराजमान थे, उनकी वाणी को सुना और पूछा, बोला भाई क्या नाम है तुम्हारा, वो प्रेम भरी वाणी में पूछा गया नाम क्या है, उन्होंने कहा नारायण दास। बहुत अच्छा, क्या खाते पीते हो, मैं सब कुछ खाता पीता हूं। अरे भाई क्या कब्रिस्तान है तुम्हारा पेट जो तुम सब कुछ खाते पीते हो, एक एक बात को, और आचार्य तुलसी की उस अनुमृत मिशन को बताया, सुनता चला गया। और बिल्कुल विचार बदल गए, वहां से दोनों लौट आए, पूरी रात नींद नहीं ले सका, चिंतन चलता रहा, क्या मैं ये पापी बन रहा हूं, ये धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कैसा बन गया, मैं सज्जन लोगों के बीच में बैठने लायक भी नहीं रहा। और ये सोच सोच करके उसका दिमाग घूम रहा था, और घूमते घूमते बंधु वो सत्संगत कहते हैं ना, सत्संगत यानी दो क्षण की सत्संगत का भी बड़ा मूल्य होता है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में बड़ा विवाद हो गया, विश्वामित्र कहते हैं कि तपस्या का महत्व ज्यादा है, और वशिष्ठ कहते हैं सत्संगत का महत्व ज्यादा है। दोनों गए,
शेषनाग के पास और शेषनाग से कहा कि हमारा समाधान कीजिए। शेषनाग ने कहा, इतने वर्षों से धरती को सिर पे रखा है, तुम लोग कोई धारण कर लो। सबसे पहले विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने कहा कि अगर मेरी तपस्या का कोई फल है इतने सालों की, तो धरती मेरे सिर पर टिक जाए। लेकिन धरती टिके, शेषनाग ने छोड़ दी, लेकिन धरती डगमगा गई, नहीं टिक सकी। डगमगाती धरती को देख करके वशिष्ठ ने कहा कि अगर मेरी सत्संगत का, तू क्षण की सत्संगत का कोई मूल्य है, तो धरती मेरे सिर पर टिक जाए। और धरती सिर पर टिक गई। बंधु, यही हाल उस नारायण दास का था। सत्संगत का इतना प्रभाव, इतना दुर्दंत, यह शैतान जिसकी आंखों में हर समय हैवानियत रहती थी, वो अब बिल्कुल बदल चुका है। ये दो क्षण की थोड़ी सी, एक दो क्षण की सत्संगत ने उनके जीवन को पूरा का पूरा बदल करके रख दिया। और पूरी रात नींद नहीं ले सका, कब सूरज उगे। दुकान में बैठा तो काम ठीक से नहीं कर पाया। दुकान वालों ने, जो काम करने वाले साथ थे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, मन नहीं लग रहा था। और उसने क्या किया कि अब कहा कि कब रात हो, कब मैं जाऊं। और वो वहां पहुंच गए और कहा, मुनि जी मुझे त्याग करवा दीजिए। मुनि जी ने कहा, ऐसे त्याग नहीं करवाते, तुम सोचो, चिंतन करो। नहीं नहीं, मुझे त्याग करवा दी, मुझे ऐसा जीवन अब नहीं जीना है। और बंधु, दूसरे दिन उन्होंने, वो था 18 दिसंबर सन 1962 की बात है, सन 1962 में इसने ये त्याग किया एक साल के लिए। मुनि से अब उसका जीवन बदल गया, लेकिन शुरू हो गई कसौटी। घर में गया, भोजन परोसा गया, उसने कहा मैंने जैन मुनि के सामने प्रतिज्ञा कर ली है, माँ को कहा अब ये मैं मांस नहीं खा सकता, मेरी थाली में मांस नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। माँ ने कहा देखूंगी कितने दिन नहीं खाता है, तू तो शराब और मांस का कीड़ा है, कीड़ा, तू दाल और रोटी से नफरत करने वाला कैसे खाएगा, ये सब भूत उतर जाएगा तुम्हारा। और बंधु, उसने वो मांस, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो, माने का नहीं खाना तो निकाल दे, रोज कटोरी भर के परोसा जाता, लेकिन उनको खुद के हाथ से निकालना होता। और क्या दिया जाता, दाल, दाल में भी क्या था, 1/4 दाल और 3, मतलब उससे ज्यादा उसमें पानी, 3 गुना पानी उसमें डाला हुआ होता, ठंडी दाल ठंडी रोटी उसे दी गई। 2.5 महीने तक वो व्यक्ति दाल और फुलके खाता रहा। नारायण दास लिखते हैं कि इससे मेरी स्वाद विजय की साधना सिद्ध हो गई। जिस मेरी जीभ को चटपटे खाने की आदत थी, जिस मेरी जीभ को हमेशा मांस और मच्छी खाने की आदत थी, वो अब मेरी बदल गई। मेरी माँ ने उपकार किया, जो 2.5 महीने तक मेरे को दाल और रोटी दी। बंधु, रोज दाल और रोटी खाता रहा, लेकिन संकल्प का धनी संकल्प को नहीं तोड़ा और कसौटी पर वह खरा उतरा। अब 1 साल बीत गया और कांति भाई के साथ वो सुजानगढ़ में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए जाता है। आचार्य श्री तुलसी का वहां पर मर्यादा महोत्सव था और उस समय सैकड़ों साधु साध्वी वहां पर थे। उस भरी परिषद में आचार्य श्री तुलसी ने नारायण भाई को खड़ा कर दिया। नारायण भाई खड़े होकर के उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी एक पश्चाताप के रूप में बताया कि मैं कैसा था क्रूर, गुरुदेव मुझे तार दो,
उस तरन तारण हार गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने उस कठोर परीक्षा के बाद, एक वर्ष की कठोर परीक्षा के बाद, अनुव्रत के छोटे छोटे नियम जो है 11 नियम उनको उसे दिया और गुरु धारण भी करवाया। अनुव्रत नियम और गुरु धारणा स्वीकार कर ली, हृदय खिल उठा, प्रसन्न हो गया, लगा जैसे कि मेरा एक कितना बड़ा भार जीवन से उतर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा निर्भर हो गया हूं और मैं आज पूर्ण स्वतंत्र हो गया हूं, ऐसी अनुभूति उसको हो रही थी। नारायण भाई ने और सहज ही लोगों के साथ उनका परिचय भी बढ़ता चला गया। पश्चाताप की गंगा उनकी आंखों से बह चली कि मैंने कितनी क्रूरता की और कितने लोगों को भी मैंने बदला है। बंधु जब उन्होंने फर्स्ट 18 दिसंबर 1962 में जब वो संकल्प लिए थे, उससे पहले उसका एक संकल्प था कि वे हर गुरुवार को एक काबा पर जाता था, मुस्लिम जो मजार होती है वहां जाया करते थे और वहां पर जाकर के ध्यान लगाते थे। उनको कहा कि अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारे कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। किसी ने बताया था, वो उस जब पहली बार गए थे उसी समय से उसको ऐसा अनुभव भी होने लगा, चमत्कार भी, कि उसके पैसे की बढ़ोतरी होने लग गई थी। पैसा काफी कमाया उसने, नारायण भाई ने, लेकिन खोने की आदत थी इसलिए हमेशा तंगी ही रहती थी। और जब वो 18 को जब उन्होंने ये त्याग कर दिया दिसंबर को, और उस दिन मंगलवार था, और 20 तारीख को वो मजार पर गए, वहां पर जाकर के जब जैसे ही इन्होंने ये ध्यान लगाया, एक टांग पर खड़े होकर के, दूसरे को अपनी जंघा पर स्थापित करके एक टांग पर खड़े होकर के ध्यान लगाया, ध्यान की गहराई में गए कि एक आवाज आई, तुम्हें सच्चा रास्ता और सद्गुरु मिल गए, अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने आंखें खोल करके चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया और सोचा क्या हुआ, पर उसे लगा जरूर ये यहीं की साईं बाबा की आवाज है। और साईं बाबा की उस आवाज को मान करके उसके दिन बाद वो कभी भी वहां पर नहीं गए, काबा नहीं गए। अब उसके मन में आता कि मैंने कई लोगों की जिंदगी को बिगाड़ा है, मेरे दोस्तों की, और उसके साथ जो चीना से जो दोस्ती हुई थी, सुन, उन्होंने 50 से 54 तक का जो समय था चीना के साथ जो बीता था और एक दोस्ती हुई थी, अब मुझे उनको सुधारना चाहिए। बड़ा उनको अपने प्रभाव में लेना बड़ा इजी था उस समय, खिलाना पिलाना, पैसे देना, मौज मस्ती करवाना, ये सब इजी काम थे, लेकिन अब बिगड़ चुके उनको सुधारना बड़ा हार्ड था। लेकिन ये व्यक्ति संकल्प का धनी था, उसने प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने चीना को, सबसे पहले उनके 3 मित्र थे, एक जेठालाल, एक हीरालाल, एक गंगाराम, उन तीनों को सुधारने के लिए उन्होंने सन 1963 में शुरू किया और तीनों को साधु संतों का संगम करवाया। 3 तो सुधर गए, 2 तो बहुत जल्दी सुधर भी गए, दृढ़ हो गए, जेठालाल और हीरालाल। लेकिन गंगाराम थोड़ा सा ऐसा था, कभी इधर कभी उधर उसका चलता रहता था, कभी इस परिस्थिति में बह जाता, कभी उस परिस्थिति में बह जाता था, लेकिन सुधर गए।
लेकिन चीना को सुधारने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। साउथ यात्रा के समय आचार्य श्री तुलसी सन 1968 में बॉम्बे पधारे थे, उनके पास भी उसको लेके गए, लेके गया, जाता थोड़ा असर होता लेकिन छोड़ता नहीं था, सुधरता नहीं था, पूरा नहीं छोड़ा था। जब तक संपर्क में रहता तब तक थोड़ा शांत रहता, लेकिन फिर वही गुंडागर्दी। और उस समय उसके 11 फौजदारी केस चल रहे थे कोर्ट में, लेकिन अब पुरुषार्थ करते करते सन 1969 में साध्वी श्री सूरज कुमारी दीदी का चातुर्मास हुआ और उनके प्रवचन में वो रोज जाता और उनके प्रभाव से उसने सब कुछ छोड़ दिया। बंधुओं, वो एक ऐसा व्यक्ति था, इतना भयंकर, जो दस्यु था उसने सब कुछ छोड़ा, तो उसके जो साथ में पलने वाले लोग थे ना, वो उस पर बड़ा प्रभाव डालने लगे कि आओ फिर से, उसके साथ बहुत जबरदस्ती करने लगे, तो उसने उल्लासनगर ही छोड़ दिया। छोड़ करके वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति के यहाँ जॉब कर ली उसने, भिलाई में जाकर के, जिसके बहुत बड़ी शराब की दुकान थी, पर घबराना, मैं शराब नहीं पिया उसने, दुकान में उसने जॉब तो की लेकिन शराब कभी नहीं पी, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मन नहीं लगता था, सोचता था क्या करूं। उसी समय फिर वहां पर चातुर्मास हुआ रायपुर के अंदर राकेश मुनि जी का, वहां पर वो रोज जाता, उनसे धर्म ध्यान करता और उसके पास पधारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास हुआ। और उस समय वो झंडा लेकर के आगे चलता था। बंधु, उसने बहुत बड़ा काम किया था उस समय वो चीना। देखिए कहीं कितनी उन्होंने अपनी शक्ति का नियोजन किया, गुरु के प्रति बड़ी भक्ति थी, श्रद्धा थी और अपने जीवन को उन्होंने उसमें लगा दिया। नारायण दास ने केवल इतना ही नहीं किया था, अब उनका पूरा आभा मंडल ही बदल चुका था। जिस दूध की दुकान में बैठते थे उसमें ये प्रतिमाएं फोटोस लगे हुए थे, जिनमें महिषासुर का वध किया जा रहा है, कहीं हड्डियों की माला पहनी हुई है तो कहीं कुछ ऐसी खोपड़ी की माला, ये सब फोटो लगी हुई थी। जब भीतर का बिंब बदल गया तो प्रतिबिंब भी बदल जाता है। अब ये सब देखना उसको अच्छे नहीं लगते थे दुकान में, अब वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता था और उसने चेंज कर दिया, पूरा बिंब बदल गया। वहां पर नवकार मंत्र आ गया, महावीर के आ गए, तुलसी का फोटो आ गया, यानी उसने अपनी दुकान का पूरा बिंब, यानी भीतर का, हम पिक्चर जो भी लगाते हैं ना दीवारों पर, वो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। हमें जो पसंद होता है, हमारे जो अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम पिक्चर लगाते हैं। ये सारा बदल गया, जीवन बदल गया, अच्छे लोगों की संगत होनी शुरू हो गई, एक ऐसा जीवन बन गया और वो स्थिर योगी। चंदन मुनि के साथ मुनि श्री चौथमल जी थे, जिनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा और इनकी घंटों घंटों, ये 3 घंटा 4 घंटा एकदम स्थिर होकर के बैठ जाते थे, एक पांव को भी इधर से इधर हिलाते नहीं थे, इतने बड़े स्थिर योगी थे। और ये स्थिर योग से ही उन्होंने तत्व को सही समझा, 12 व्रतों को धारण किया इन्होंने अपने जीवन में। बंधु, हमने देखा इनको रोज सामायिक करते हुए, 12 व्रतों को जीते हुए। और जब हम लोग उल्लासनगर आ गए थे और उस समय जब हमने इनको, ये 96 या 97 की बात है, जब हम उल्लासनगर गए थे और
उस समय की ये जो स्थितियां जब हमने देखी उनको, जब मैं फर्स्ट बार गई तो मुझे लगा रही हम कैसे खाएंगे, उनके घरों में जाते तो मुझे ऐसे अजीब सा लगता था, एक बार तो मन में ऐसा आया था, लेकिन फिर उनके इतने सात्विक विचार, इतना सात्विक जीवन, एक नहीं अनेकों लोगों को इन्होंने सुधारा, अपने साथ वाले उनको तो सबको सुधारा ही सुधारा, लेकिन अनेक लोगों के जीवन को भी इन्होंने सुधारा, एक लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यही सब करना है। स्थिर योग काफी था, बुद्धि की अच्छी थी, और कहा भी जाता है कर्मे सूरा ते धर्मे सूरा, जो कर्म में सूर होता है वो धर्म में भी सूर होता है। इतिहास की घटनाओं को देख लीजिए इतिहास की घटनाओं को, कितनी घटनाएं ऐसी हैं, दृढ़ प्रहारी जैसा एक साथ इतना क्रूर कर्म करने वाला भी मोक्ष चला गया, अर्जुन माली जैसा सात सात रोज मारने वाला भी चला गया मोक्ष, और रोहिणी चोर जैसा भी चला गया मोक्ष। यानी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कर्म में शूर होते हैं वो धर्म में भी शूर होते हैं, वो समझ जाते हैं फिर बदलते नहीं हैं। ठीक ऐसी ही कहानी हमारे नारायण दास भाई की थी, ये इतने धर्मशूर हो गए, इनकी आस्था इतनी दृढ़ थी, जब मुनि श्री चंदनमल जी संघ से बाहर हुए और उस समय इन्होंने गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव व्यक्त किया वो एक अपूर्व था। और ये धर्म करने में शूर, इतनी सामायिक करते थे। बंधु एक जैन सामायिक करे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नॉन जैन होकर के इतनी सामायिक करते थे। 12 व्रतों को इन्होंने अपने जीवन में धारण किया, पूरा जीवन एक सरस था, और उनके परिवार पर इन्होंने कभी दबाव नहीं डाला कि आप भी खाना छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने तो 62 में छोड़ा, और इनकी पत्नी उस समय तक खाती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद साध्वी श्री सोना जी का चातुर्मास बॉम्बे में हुआ, और उस समय उनके संपर्क में आकर के उनकी श्रीमती पत्नी गोदावरी, जो बड़ी सरल स्वभावी और शांत एक धर्म पत्नी थी, उन्होंने भी छोड़ दिया। पूरा परिवार जो था वो वेजिटेरियन बन गया, पूरा परिवार। आज भी हम उनके परिवार के उनके बेटे और पोतों को सबको जानती हूं मैं, और जब भी वो गुरुदेव के आते हैं मिलते हैं तो एक लगता है कि ये हमारा सिंधी परिवार, कितने कितने सिंधी परिवार है, एक दो नहीं बहुत सारे वहां पर सिंधी परिवार हैं जो आज धर्म के रंग से रंगे हुए हैं। कभी जिनके हाथ खून से रंगे रहते थे आज वो धर्म के रंग से रंगे हुए हैं। तो कहां जा कर्म सूर थे उतने धर्म सूर भी बन गए, और उन्होंने अंतिम सांस तक अपने पूरे जीवन को लगाया। उन्होंने फिर सोचा कि मैं कैसे लोगों तक पहुंच सकता हूं, और इसके लिए उन्होंने एक आश्रम को खोजा। उस आश्रम में गए और उस आश्रम का जो स्वामी थे, जो मठ जैसा था, वहां कहा कि मैं प्रवचन देना चाहता हूं आप, तो उन्होंने कहा मेरे से पहले तुम प्रवचन दे दो। वो गए स्टेज पर, उन्होंने वहां पर जो कारपेट था उसको थोड़ा अलग किया, अपना आसन लगाया, सामायिक की ड्रेस में पूरे बैठे, और बैठ करके जो प्रवचन दिया मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में उन्हें बताया, खान पान के शुद्धिकरण के बारे में बताया, कितने लोगों ने उसको छोड़ा। और जब वो मठाधीश जी आए उन्होंने प्रवचन किया, और उसके बाद जब लोगों ने जो उनका जय जयकार किया, जो पूजा की उनकी, जो फूल चढ़ाया उनके, जो पैसा चढ़ाने लगे, उन्होंने कहा मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। और उस प्रवचन में आई औरतें तो उसकी पत्नी के पास चली गई दौड़ करके, अरे गोदावरी देख तेरा पति साधु बन गया है, जल्दी चलती हूँ उसको ले आ, ये संसार से विरक्त हो जाएगा, साधु हमें मिल जाएगा, ऐसा भी कहा, लेकिन नहीं गए। गोदावरी जानती थी, उसने कहा कुछ नहीं होगा, वे सामायिक में बैठे हैं, डरो मत, वो गृहस्थी है, घर ही आने वाले हैं। इतना सब कुछ, इतने लोगों को तारना शुरू कर दिया, और वहां पर इनको जय संत कहा गया,
जय संत के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। वास्तव 97 से वो संत बन चुके थे जिस दिन अनुमृति बने, और उनका पूरा परिवार, उनके 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री और उनकी पत्नी, ये पूरा उनका परिवार है। जब उनके फर्स्ट बेटे की शादी हुई थी उस समय का ये पूरा परिवार है। वो नारायण खाई, 12 व्रती बना, सामायिक जिसका रोज का संस्कार, अनुव्रती बना, कितने लोगों को उन्होंने अनुव्रती बनाया, अनुव्रत के लिए कितने काम किए। हमने जब हमारा डोमिवली सेंटर था और उस समय हम करते थे काम, समय कितनी बार हमारे पास आया, हम कितनी बार वहां पर भी गए, कितनी बार हमारे साथ जगह जगह प्रोग्राम में जाते थे, और कितना उन्होंने कितना एक काम किया, और एक पूरा सात्विक परिवार उन्होंने बना दिया। और सन 2002 26 फरवरी को वो इस संसार को छोड़ करके पूरी सात्विक शांतिमय मौत को प्राप्त हो गए। अंतिम समय तक उनका ये चल रहा था और वो समाधि मरण को प्राप्त हो गए। बंधुओं, आज भी जरूरत है ऐसे नारायण भाई बनने की, आज भी जरूरत है अनुव्रतों की। इस 21वीं सदी में तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें उत्थान के रास्ते पर चलना है तो अनुव्रत को जीवन के साथ जोड़िए। समस्याओं समाधान, समस्याओं का समाधान मौजूद है। देश में बढ़ रही भ्रूण हत्या के लिए अनुव्रत कहता है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प नहीं करूंगा। नहीं थम रहे नक्सली हमले, अनुव्रत कहता है मैं आक्रमण नहीं करूंगा। प्रांतवाद के चलते फिर से भड़की हिंसा जगह जगह पर, हिंसा के तांडव नृत्य। अनुव्रत कहता है मैं हिंसात्मक युद्धों में भाग नहीं लूंगा। जात पांत के नाम पर जारी है अनर्थलिंग। अनुव्रत कहता है मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा, मैं जात पांत रंग सांप्रदायिकता से बढ़ रहा है वह मनुष्य। अनुव्रत कहता है मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। बाजारों पर हावी है नकल और मिलावट। अनुव्रत कहता है मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। विदेशों में जमा है काला धन। अनुव्रत कहता है मैं संग्रह सीमा का निर्धारण करूंगा। भ्रष्टाचार पहुंचा अपनी चरम सीमा पर। अनुव्रत कहता है मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। कब बंद होगी बाल विवाह प्रथा। मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। आवाज गुटखा बंदी को लेकर, शराब को लेकर देश में विरोधाभास। अनुव्रत कहता है मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग बनी ज्वलंत समस्या। अनुव्रत कहता है मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। आओ फिर से एक संकल्प करें, 2 कदम फिर से मिलकर चलें। वक्त की पुकार है अनुव्रत, इसकी जोत चलाते रहें, चलते रहें। अब चयन करें समाधान का। विश्व बने समृद्ध, भारत बने सक्षम, जब हम बने अनुभवी। ओम अरहम, ओम अरहम। That was indeed a very inspiring story, जो आपने कहानी बताई वो सुन के ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे जमाने में इतना कोई परिवर्तन एक ही अपने जीवन काल में कर सकता है। लेकिन आपके बताने से ऐसा सही में लगता है कि हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और उसको हम सुधार के समर्थ और सक्षम बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज के विषय का समाहार करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अविनाश जी नाहर जी को, जो कि अनुव्रत विश्व भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उससे पूर्व वे 13 पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं
श्रीमान श्री अविनाश श्री नाहर। वंदा मीना वंसामी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वंदा मीना वंसामी, अनवत आंदोलन के प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को वंदन। अनवत अनुशासता और अनवत यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा सिक्त नमन। उपस्थित सभी साथियों, श्रमणी जिन प्रज्ञा जी ने जिस तरह से नारायण दास जी संतुमल थड़ानी का उल्लेख किया, वो ऐसे फरमा रही थी जैसा कि कोई हमारे सामने चलचित्र चल रहा हो, पिक्चर चल रही है। आज मैं स्वयं भी मुंबई में हूं और अणवत अनुशासता के अहोभाव में, उनके सम्मान में आज एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम था और उस पूरे कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र जी उपस्थित थे, लोढ़ा जी उपस्थित थे और विभिन्न संप्रदायों के लोग भी उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष अणवत अनुशासता ने, जो उनकी अभी अणवत यात्रा चल रही है, जिनके तीन मुख्य आयाम हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन तीनों पर बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला और यह कहते हुए हमें आत्मतोष है कि वहां आए विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प स्वयं अपने मन से लिया। अभी हम श्री नारायण दास संतुमल जी थड़ानी उल्हासनगर वालों की बात सुन रहे थे। ये भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व था जिसे खून तक पीने की आदत थी और वह उसमें इतना प्रसन्नता का अनुभव करता था कि उस प्रसन्नता के आगे किसी जीव की हत्या हो जाना उनके लिए महज एक सहज सरल सौरम्य स्थितियां दिखती थी। ऐसे व्यक्ति के हृदय का प्रवर्तन होना कोई सामान्य बात नहीं थी और जो व्यक्ति उनके संपर्क में थे, भाई कांतीलाल हीरा भाई वकील वाला, वह उन्हें निरंतर प्रेरित करते थे कि हमें संतों के पास चलना है, जैसा आपको श्रमणी वृंद ने निवेदन किया बताया। वे उन्हें टालते रहे, लेकिन ऐसे भी श्रावक हैं जो अपने किसी दुर्भावपूर्ण व्यक्तित्व जो उनके समक्ष में आता है, समक्ष आता है, उसे कैसे परिष्कृत किया जाए और उसे कैसे सच्चा इंसान बनाया जाए, उस श्रम में अपने आप को नियोजित कर देता है। आपको यह बताते हुए भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, जैसा मैंने उन्हें पढ़ा सुना कि वह कांति भाई का नाम तक नहीं जानते थे जब वह चंदन मुनि के समक्ष उन्हें लेकर के गए और जिस भयानक स्थितियों में वे थे और जिस तरह से अनुरत की बात को लेकर उनके जीवन में परिवर्तन आया, मैं संभवतः मानता हूं कि आज भी वह ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो 14 साल से लेकर के 22 साल तक की, उसमें भी यह खून पीने की या मांसाहार करने की प्रवृत्ति उस दैनव जैसी तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में ड्रग्स और नशे से ओतपोत हमारी यह भावी पीढ़ी, हम सभी संकल्प लें कि हमारी इस भावी पीढ़ी को भी ऐसे अनेकों कांति भाई मिले कि वह इन दुर्व्यसनों को दूर करा सकें। मैं मानता हूं संभवतः आज का यह श्रमणी वृंद का प्रवचन ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं को उद्वेलित करेगा कि वे भी कांति भाई की तरह बने,
निराश न हो और लगातार ऐसे लोगों को संतों की सन्निधि में, सतियों की सन्निधि में, स्वयं अणवत अनुशासता की सन्निधि में लेकर के जाएं और उन्हें कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है, कैसे संयम के साथ में अपने जीवन को परिष्कृत किया जा सकता है, उस संदर्भ में जानकारी दिलाएं, प्रेरित कराएं। सिंधी जी कर्मणा जैन बने और साथ ही साथ उनके मन में ऐसा अहोभाव हमेशा रहा कि वह उल्लास नगर में किसी एक भवन का निर्माण करें और उन्होंने उसी के स्वरूप अनेकों सिंधी फ्रीज हो गया आपका के सेकंड फ्लोर तक का निर्माण उन्होंने स्वयं अपने कंधों पर यह दायित्व लेकर के खड़ा किया और आज भी उल्लास नगर के उस भवन की देखरेख का क्रम कांदीवली डोमीवली के क्षेत्र के लोग बखूबी निभाते हैं। वे लोग अपने एक पुत्र की तरह उस भवन की भी देखभाल करते हैं और उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती है उसकी भी पूर्ति वे स्वयं डोमीवली क्षेत्र के कार्यकर्ता करते हैं। यह भी एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में परिवर्तन कर हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ी कर दी है, हम स्वयं भी उसी के अनुरूप अपने आप को भी इस अणवत अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योगभूत बनाएं और यह संकल्प लें कि हम भी ऐसे अनेकों जो नशे आज की दुनिया में व्याप्त हैं उनसे लोगों को मुक्त कराने का प्रयास करें। अभी मां अणवत अनुशासता ने एक और प्रकल्प अणवत अमृत महोत्सव के दौरान दिया है कि हम संयम की साधना पर दृष्टिपात करें और प्रत्येक मंगलवार को हम 3 संकल्पों पर विशेष रूप से देश और दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। पहला, मैं 1 घंटे मौन रखूंगा। दूसरा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा। और तीसरा, मैं नशा मुक्त रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं श्रमणी जिन प्रज्ञा जी, श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, श्रमणी कमल प्रज्ञा जी, जिन्होंने अपने श्रम का बहुत नियोजन किया है और उसी की है सुंदर परिणति है कि आज हम ऐसे अनेकों क्रूर लोग जो अपने जीवन में क्रूरता भरा जीवन जी रहे थे, उन्होंने अणवत की अवधारणा को शिरोधार्य किया और आज वे अच्छे और सच्चे इंसान के साथ में देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ही संपन्न करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शमरी वृंद का जो यह आज उद्बोधन है वह हमें उद्बोधित करेगा कि हम ऐसे बुरी प्रवृत्ति में फंसे लोगों को संपर्क में लाएं और उनके जीवन की जो कुरूतियां हैं उसे हम दूर करने का प्रयास करें। मैं आपके मंगल पाठ जी समी जी हाँ बंदा में है ना प्रतिभा प्रेसिंग जी बंदा में नमुसा में तो ध्यान ही कुंडल समी जी बोला जी हम बोले संबोधन हाँ हाँ जिन प्रज्ञा जी आप भी कर वंदा भी फरमा रहे आप कर जी आप फरमा ये सारा प्रोग्राम आदरणीय प्रतिभा प्रज्ञा जी देख रेख में और उनके सजेशन से
हुआ है, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन बंदा मैंने ये अच्छा सजेशन दिया कि ये प्रोग्राम हम मिलकर के कर लेते हैं और अप्लाइड अनुव्रत के रूप में करते हैं, तो उन लोगों को भी हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं, जिन्होंने अनुव्रत के साथ साथ अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया और कहाँ तक वो लेकर के चले गए, 12 व्रत और एक अच्छे श्रावक बन गए, और उनकी आज चौथी पीढ़ी भी, नारायण भाई की तो चौथी पीढ़ी भी आज हमारे सामने है जो सत्संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है। तो वंदा में आपका बहुत बहुत कृतज्ञता कि आपने ऐसा प्रारंभ किया और लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। आज समनी जिन प्रज्ञा जी का बहुत ही हार्ट टचिंग ये वक्तव्य हुआ, जिसे सुनकर के मैं स्वयं अभिभूत हो गई कि व्यक्ति में इतना इतना बड़ा परिवर्तन, और सचमुच ये तो बहुत ही प्रेरणादायी है और पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी प्रकाश स्तंभ रहेगा, ऐसे हमारे सुश्रावक जो विशिष्ट अनुव्रति रहे, तो उनके प्रति भी, उनकी आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर मंगल कामना। और समनी जिन प्रज्ञा जी ने भी बहुत श्रम नियोजित किया है, वह स्वयं उनका जो प्रेजेंटेशन है वह साक्षी है, तो आज के इस अवसर पर मंगल कामना, मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलि पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। संयमः खलु जीवनम्। ओम।